पंडित जी, कितना पुराना मंदिर है ये? पौराणिक सिद्ध पीठ है माँ भगवती का। यहाँ देवराज इंद्र ने तप किया था, तब माँ ने दर्शन दिया। स्कंद पुराण में वर्णन आता है जी जी कि जब देवराज इंद्र का अपनी की आवाज तो अभी से बंद हो गई गंजे। ओए तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे। दोस्तों आज आपको लेके आ चुके हैं सुरेश्वरी देवी हरिद्वार ब्लॉक के अंदर। बने रहे भाई, बिल्कुल जंगल के अंदर आइए। ये पूरा राजीव नेशनल पार्क है, इसके अंदर हम आए हैं। कैसे कैसे आए हैं सब दिखाएंगे, ठीक है? सारा रूट है और सामने ये मंदिर है पीछे मेरे, तो लेके चलते हैं सीधा मंदिर की तरफ। तो दोस्तों ये देखें आप, लगभग जो मेन गेट है, मेन गेट से 2 किलोमीटर अंदर जंगल के अंदर जाने के बाद में ये रहता है सुरेश्वरी देवी। और आज छठा नवरात्र है माँ कात्यायनी का, तो आज हम इसी उपलक्ष्य में यहाँ पे आ रखे हैं। देखें यहाँ पूरा टेंट वेंट लगा हुआ है, तो लेके चलते हैं सीधा आपको अंदर की तरफ। और ये सारा जंगल है भाई टोटल, रात के टाइम यहाँ पे जानवर भी आ जाते हैं सारे। तो जब भी आप आएँ तो हमेशा दिन के टाइम पे आएँ यहाँ पे। ये देखें आप, ये देखो भाई, ये देखें आप सिद्ध पीठ श्री सुरेश्वरी देवी मंदिर। पंडित जी कितना पुराना मंदिर है ये? पौराणिक सिद्ध पीठ है माँ भगवती का। यहाँ देवराज इंद्र ने तप किया था, तब माँ ने दर्शन दिया। स्कंद पुराण में वर्णन आता है जी जी कि जब देवराज इंद्र का देवलोक उनसे छिन गया था, लड़ाई में हार गए थे राजा रजी के पुत्रों से जी जी, तो भगवान विष्णु जी ने उन्हें स्थान बताया कि आप गंगा जी के पश्चिम भाग में जाओ, जहाँ सूर्यकुंड पर्वत पे माँ भगवती निवास करती हैं जी। आपने चारों तरफ देखा होगा जो पहाड़ है, सूर्यकुंड पर्वत के नाम से जाना जाता है जी जी। तब भगवान इंद्र ने यहाँ आकर माँ भगवती का तप किया। माँ ने उनके तप से प्रसन्न होकर जो उन्हें दर्शन दिए और माँ ने कहा कि मेरा ये सिद्ध पीठ जो है शीघ्र फल देने वाला प्रसिद्ध होगा, जो भक्त जैसी कामना लेके आएगा उसकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी, और आज के बाद मैं यहाँ देवताओं की देवी के नाम से पूजी जाऊंगी। क्योंकि देवराज इंद्र देवताओं के राजा हुए, तो माँ भगवती यहाँ सुरों की देवी सुरेश्वरी देवी इस नाम से पूजी जाती है। माँ अपने सभी भक्तों का कल्याण करे। जय माता, जय माता। दोस्तों प्रांगण के अंदर खड़े हुए हैं और ये देखिए हर जगह पे मंत्र उच्चारण लिखा हुआ है। बहुत खूब। और ये है सुरेश्वरी देवी जी का मंदिर, जो मेन मंदिर है। और ये है इनके प्रतिमा। और इसके बाद ये शिव मंदिर, ये देखें आप, काफ़ी भक्त यहाँ पे पूजा अर्चना करते हुए। और ये हमारी अवनी जी, अवनी आओ। एक जान नीचे आने का स्थान है, इससे सारा जंगल ही जंगल दूर तक फैला हुआ है। और दोस्तों जब भी आप यहाँ पे आएंगे तो आपको चाय का फ्री प्रसाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये देखें आप, चाय भी बहुत अच्छी है। तो दोस्तों ये था आज का ब्लॉग, आज श्री सुरेश्वरी देवी के आपको दर्शन कराए। कैसे लगे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। प्लस आप कभी भी हरिद्वार आएँ तो आपको आना कहाँ पे है सुन लीजिए, बीचल स्टेडियम के पास में ये सुरेश्वरी देवी का मंदिर पड़ता है, जहाँ से मेन गेट से 2 किलोमीटर अंदर मंदिर पड़ता है, जो कि रूट बहुत जंगल वाला रूट है। तो अगर आप अपने व्हीकल से आएँ तो ज़्यादा अच्छी बात है, और अगर आप ऑटो वगैरह भी करके आएँ तो आप अंदर तक आएँ ले करके, अदरवाइज़ बाहर से अंदर आने में 2 किलोमीटर का जो सफ़र तय करना पड़ेगा वो थोड़ा लंबा पड़ सकता है आपके लिए। और कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा जय माता की, प्लस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। तो अब सुरेश्वरी देवी के दर्शन करने के बाद में अब हम सीधा जा रहे हैं काली मंदिर पे, जो ऊपर मंदिर आपको दिखाया था टॉप पे, अब वहाँ चल रहे हैं सीधा। दोस्तों अब सीधा चल रहे हैं काली माता के मंदिर, जय माँ काली। और पैदल रास्ता है जैसे कि आपको वैष्णो देवी में देखने को मिलता है, जस्ट लाइक वैसे ही है, सीढ़ियाँ नहीं है, पैदल है। तो सीधा आप चलेंगे वो राम मंदिर ऊपर। अवनी की आवाज़ तो अभी से बंद हो गई गंजे, ओए तू भी बोल दे, बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो, ये बाय बाय। थोड़ी सी हाइट पे आते ही सीन जो है विजुअल्स है बहुत अच्छे हैं।
ये देखिए आप ये देखें आप यहाँ के विजुअल्स, वाह जी वाह। और ये आ गया काली मंदिर, ये देखें दोस्तों ये है काली मंदिर। और ये है यहाँ से पूरे जंगल का नज़ारा।